और लेटेस्ट न्यूज यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें सत्यमेव न्यूज। सिरोही जिले के अनादरा थाने में एक दलित किशोरी के साथ दुष्कर्म करने और उसके बाद विषाक्त पदार्थ पिलाने का मामला सामने आया है। मामले में पीड़ित के परिजनों द्वारा एक नामजद आरोपी के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया गया। वहीं पीड़िता का आबू रोड के ट्रॉमा सेंटर में उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार सिरोही जिले के अनादरा थाना क्षेत्र में एक कृषि कुएं पर काम करने वाली किशोरी से 18 फरवरी को दुष्कर्म करने की घटना हुई। कुएं पर बेहोश पड़ी किशोरी को परिजन स्थानीय राजकीय अस्पताल ले गए। वहां पर चिकित्सकों ने कोई उपचार नहीं किया और आगे रेफर कर दिया। परिजन बेहोशी की हालत में किशोरी को आबू रोड के ट्रॉमा सेंटर में ले आए जहाँ उसका उपचार जारी है। उधर मामले के 10 दिन बाद सिरोही पुलिस को पूरे मामले की जानकारी मिली है, जिस पर परिजनों की एक रिपोर्ट पर एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर उस युवक की तलाश की जा रही है। किशोरी को जहर पिलाने के कारण किशोरी बेसुध अवस्था में अस्पताल में भर्ती है। फिलहाल स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है, मगर अभी वह कुछ भी बोल पाने में असमर्थ है। उधर मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी कल्याण मलमीना सहित पुलिस के आला अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे और पीड़िता के परिजनों से मामले के बारे में जानकारी ली। दलित किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म की जानकारी मिलने पर आबू पिंडवाड़ा विधायक समाराम गरासिया, पालिका अध्यक्ष सुरेश सिंदल, भाजपा नेता प्रवीण राठौड़ आदि अस्पताल पहुंचे और उन्होंने पीड़िता के हालचाल जाने। विधायक गरासिया ने सिरोही पुलिस पर और राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि पुलिस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। 10 दिन बाद जब मीडिया को इस मामले की जानकारी हुई तब पुलिस अस्पताल पहुंची और पीड़िता से मिली, साथ ही उन्होंने इस घटना की निंदा की। पालिका अध्यक्ष सुरेश सिंदल ने कहा कि मामले में आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और मामले की जांच कर जघन्य अपराध में शामिल सभी लोगों को सजा दी जाए। सिरोही जिले में नहीं पूरे राजस्थान में एससी एसटी के लोगों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है। अभी जैसलमेर की घटना थी, उसके बाद कांचोली, सिरोही जिले के कांचोली गाँव में की एक घटना है और आज अभी मीडिया के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ कि ये देवधर के भी एक ऐसी रेप की घटना हुई जिसमें अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। पूरे प्रदेश में दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं और पुलिस मूक दर्शक बनकर बैठी है, कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। दलितों में इसके प्रति बहुत आक्रोश है। सरकार का रवैया बहुत ही लचीला और ढीला है, कुछ भी कार्रवाई करने में असमर्थ है। नहीं पूरे राजस्थान में एससी एसटी के लोगों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है। अभी जैसलमेर की घटना थी, उसके बाद कांचोली, सिरोही जिले के कांचोली गाँव में की एक घटना है और आज अभी मीडिया के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ कि ये देवधर के भी एक ऐसी रेप की घटना हुई जिसमें अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। पूरे प्रदेश में दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं और पुलिस मूक दर्शक बनकर बैठी है, कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। दलितों में इसके प्रति बहुत आक्रोश है। सरकार का रवैया बहुत ही लचीला और ढीला है, कुछ भी कार्रवाई करने में असमर्थ है। ये हडमतिया गांव की घटना है देवधर, इसमें 18 तारीख की घटना है जो रेप किया गया है और अभी तक जैसे रेप किया तुरंत प्रभाव से इन्होंने वहां अनादरा में अस्पताल लेके गए, लेकिन उन्होंने भी मना किया, उन्होंने ड्रिप भी नहीं चढ़ाई। इतनी सरासर लापरवाही, ड्रिप नहीं चढ़ाई, उनको भी आगे ले जाओ और सीधे लेके आए ट्रोमा सेंटर के अंदर। और फिर ट्रोमा सेंटर के अंदर भी न्यूज लगने के बाद में जब एसपी आए, इससे शर्मनाक बात कोई हो ही नहीं सकती। इस प्रकार के इस प्रशासन में अस्पताल हो या पुलिस प्रशासन हो, लेकिन गैंग रेप की इतने सारे घटना, गैंग रेप करके जहर पिलाया गया और अभी भी बच्ची ट्रोमा में भर्ती है। और मैं खुद ही यहाँ पे मौके पे आया था और इस प्रकार की शर्मनाक बात कोई हो ही नहीं सकती। ये हडमतिया गांव की घटना है देवधर, इसमें 18 तारीख की घटना है जो रेप किया गया है और अभी तक जैसे रेप किया तुरंत प्रभाव से इन्होंने वहाँ अनादरा में अस्पताल लेके गए, लेकिन उन्होंने भी मना किया, उन्होंने ड्रिप भी नहीं चढ़ाई। इतनी सरासर लापरवाही, ड्रिप नहीं चढ़ाई, उनको भी आगे ले जाओ और सीधे लेके आए ट्रोमा सेंटर के अंदर। और फिर ट्रोमा सेंटर के अंदर भी न्यूज लगने के बाद में जब एसपी आए, इससे शर्मनाक बात कोई हो ही नहीं सकती। इस प्रकार के इस प्रशासन में अस्पताल हो या पुलिस प्रशासन हो, लेकिन गैंग रेप की इतने सारे घटना, गैंग रेप करके जहर पिलाया गया और अभी भी बच्ची ट्रोमा में भर्ती है। और मैं खुद ही यहाँ पे मौके पे आया था और इस प्रकार की शर्मनाक बात कोई हो ही नहीं सकती।